नीट पेपर लीक मामले में संजीव मुखिया की पत्नी के साथ फोटो वायरल होने पर बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने नीट मामले में अब खुलकर बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से उनकी फोटो संजीव मुखिया की पत्नी के साथ वायरल हुआ है और विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा है, तो उन्होंने कहा कि अब यहां पर फोटो कोई भी किसी के साथ खिंचवा लेता है। 1 जनवरी को आम लोगों से मुख्यमंत्री मिलते हैं और उनकी चेकिंग भी नहीं होती है, तो उनके साथ फोटो आने पर क्या वह दोषी हो जाएंगे? वहीं उन्होंने नालंदा से नीट के तार जुड़े होने पर कहा कि इसके तार पूरे देश से जुड़े हुए हैं और तार जोड़ने वाले पकड़ने वाले दोनों सलाखों के पीछे होंगे। लगातार इसकी जांच चल रही है और जो भी दोषी व्यक्ति होंगे वह जल्द पकड़े जाएंगे। देश के अनेक हिस्सों से तार जुड़ सकता है, जो बेईमान है, जो गलत काम करने वाला है, कहीं से किसी का तार जुड़ सकता है और उसकी तो जाँच हो रही है। अगर तार कहीं से जुटा हुआ है तो तार जोड़ने वाले, तार पकड़ने वाले सब लोग धरे जाएंगे, कानून के हवाले होंगे, कार्रवाई होगी। और अभी तक इस तरह के कृत में जितने लोग पकड़े गए हैं, धरे गए हैं और कृत में लगे हैं, कोई बचने वाला नहीं है। लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है सर कि जितने भी जो संजीव मुखिया की पत्नी है उनका फोटो आपके साथ और अन्य भी जो एनडीए के नेता, तो अभी तो आप हमारा बयान ले रहे हैं, बहुत लोग यहाँ पर खड़े हैं, अभी देख लिए उत्तर प्रदेश से भी लोग हैं, हम क्या जानते हैं कि इसमें से कौन कृत करने वाले लोग हैं। हमारे साथ फोटो भी खींचते हैं, सेल्फी भी लेते हैं, हमारे घर पर भी कोई रोक ठोक नहीं है जाने में, तो मेरा फोटो किसी के साथ भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ भी देखा है फोटो है। तो अगर 1 जनवरी को जो लोग मिलने जाते हैं उनकी कोई चेकिंग नहीं होती है, वो मिलते हैं, फूल लेके जाते हैं, गुलदस्ता लेके जाते हैं, तो हम लोग तो जनता के लिए कमिटमेंट है, लोगों के लिए दरवाज़ा खोले हुए है। तो कोई भी व्यक्ति आता है फूल दे के चला जाता है, कोई भी आता है कागज़ दे के चला जाता है,